आज हम बात करेंगे इंडिया और श्रीलंका के सेकेंड T20 गेम की, जो आज 5 जून को शाम 7 बजे से खेला जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस गेम में, टीम कॉम्बिनेशन क्या हो सकती हैं, क्या चेंजेस हम देख सकते हैं, क्या अप्रोच चेंज हो सकती है टीम्स की खेलने की। लास्ट मैच में हमने देखा इंडिया काफ़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाह रहे थे, हुआ नहीं वैसा, पर आई थिंक अप्रोच ठीक था उनका। तो क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सेकेंड गेम में, उसके ऊपर बात करेंगे आज। बेसिकली प्रीव्यू वीडियो होने वाली सेकंड T20। तो शुरू करते हैं। आई थिंक एक जो चेंज है, जो कि फोर्स चेंज है, वो भाई है संजू सैमसन वाला। उन्हें इंजरी हो गई तो वो अब आगे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस सीरीज में, तो उनकी जगह पे जितेश शर्मा को लाए हैं स्क्वाड में। अब मुझे लगता है उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, क्योंकि आई थिंक आपके पास पहले से ही एक प्लेयर है जो आप नंबर 4 पे फिट कर सकते हो, आपके ऑल द्रिपाट। आप ऐसे भी कर सकते हो कि राहुल त्रिपाठी को नंबर 3 पे खिला लो और सूर्य कुमार को नंबर 4 पे, तो ये भी कॉम्बिनेशन एक हो सकती है। और उसके अलावा आई थिंक शुभमन गिल ही खेलने वाले पूरी सीरीज एज एन ओपनर ईशान किशन के साथ। तो ऋतुराज गायकवाड़ को आई डोंट नो चांस मिलेगा या नहीं, शायद आज अगर सीरीज जीत के रैप अप कर देते हैं तो शायद लास्ट T20 में ईशान किशन या शुभमन गिल की में से किसी एक की जगह पे ऋतुराज को भी चांस मिले, बट देखते हैं। दीपक हुड्डा को आई थिंक वो लोग वहीं उसी स्पॉट पे खिलाएंगे। आई थिंक ये लोग चाह रहे हैं, इंडियन मैनेजमेंट ये चाह रहे हैं कि दीपक हुड्डा को एज अ फिनिशर ही खिलाया जाए, उनको एक्सपोज करी जाए, यू नो उनको एक्सपोज करा जाए इन डिफरेंट सिचुएशंस में, और फिर वो कैसा खेलते हैं उन सिचुएशंस में, यू नो उस हिसाब से जज किया जाएगा कि उनको वहीं सस्टेन कर रखना है या किसी दूसरे प्लेयर को अपने देखेंगे वो एज अ फिनिशर। अभी तक आई थिंक पहली उनकी इनिंग्स आई थिंक मुझे ठीक ठाक लगी जब वो लोअर ऑर्डर में खेले, तो देखते हैं आगे वो क्या करते हैं। आई थिंक मोर और लेस यही सेम टीम होने वाली है। अक्षर ने भी अच्छा करा था, अगर अक्षर एक बार अच्छा नहीं करते लास्ट गेम में तो शायद वॉशिंगटन सुंदर को यू नो उनकी जगह पे लाया जा सकता था, पर उन्होंने भी अच्छा किया। तो आई थिंक सेम ही प्लेइंग 11 होगी, बस नंबर 4 पे स्पॉट है संजू सैमसन में, उसकी जगह पे आपको शायद राहुल त्रिपाठी खेलते नजर आए। जितेश शर्मा अगर लोग खिलाते हैं स्पॉट पर तो आल भी यू नो वाले शॉक, क्योंकि पहले से एक बंदा है जो उस स्पॉट को फिल कर सकता है आपकी स्क्वाड में, तो बेटर है कि आप उसी को खिलाएं। अच्छा, अब श्रीलंका की बात करते हैं, वो लोग क्या करेंगे। आई थिंक उनकी भी टीम मोर और लेस सेम ही होने वाली है। आई थिंक उनके प्लेयर्स ऊपर के फायर नहीं किए, इस वजह से यू नो वो लोग मैच जीत नहीं पाए। नीचे शानका ने अच्छा खेला, वो हमेशा अच्छा खेलते हैं, बिना एक्सपोर्ट करते हैं, तो आई थिंक ऊपर के बैट्समैन को अच्छा करना होगा। निशान का अच्छा प्लेयर है, उन्हें अच्छा करना होगा। मेंडिस ठीक ठाक खेले, शॉट उन्होंने बड़ी करारी मारी थी जिसपे वो आउट हुए, डीप पॉइंट पे संजय सैमसन के हाथ में कैसे किए, तो ठीक ठाक खेले वो भी। पर अगर और सपोर्ट मिलता है ना धनंजय डे सिल्वा से या आशा लंका, आई थिंक आशा लंका एक प्लेयर है जिनको चलना पड़ेगा। मैंने उनको इंडिया के खिलाफ चलते नहीं देखा है अभी तक, जितने भी मैच देखे हैं एशिया कप से लेकर अभी तक, उनको चलना पड़ेगा। राजा पक्षा बीच बीच में चलते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, आई थिंक वो कंट्रीब्यूट करते देखेंगे पूरी सीरीज में। तो बाकी आई थिंक प्लेइंग 11, आई थिंक बॉलर्स में शायद चेंज हो सकता है कोई। मधुशंका ने आई थिंक अच्छा किया था, दीक्षाना ने भी अच्छा किया था, तो बॉलर्स भी आई डोंट नो वो किसको चेंज करेंगे, किसकी जगह पे किसको लाएंगे। मे बी कंडीशनल चेंज हो सकता है, यू नो कंडीशंस को कंसिडर करते हुए कुछ चेंज लाइनअप में हो सके, पर आई थिंक मोर लेस सेम ही प्लेइंग 11 होगी। पुणे में ये गेम होने वाला है, विकेट पे डिपेंड करेगा यू नो कैसा गेम होगा, कितने रन बनेंगे, क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा कि टिपिकल वानखेड़े विकेट नहीं थी। वानखेड़े की विकेट पे आप देखते हो लंबा स्कोर बनता, ऐसा नहीं था। टैगी विकेट थी, स्लो बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी, पेसर्स भी जब स्लो डाल लेते तो हेल्प मिल रही थी, तो विकेट पे डिपेंड करेगा। हाई स्कोरिंग गेम होगा, लो स्कोरिंग गेम होगा, पर आई थिंक एक चीज़ एक्सपेक्टेड है श्रीलंकन टीम से स्पेशली T20 में, कि वो लोग फाइट जरूर करेंगे लास्ट तक और मैचेस क्लोज होंगे इंडिया के खिलाफ, अनलेस कि इंडिया बहुत ही बड़ा स्कोर लगा दे बोर्ड पे। तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर मेरे हिसाब से ईशान किशन, शुभमन गिल आई थिंक और सूर्या, आई थिंक इन तीनों में से कोई लंबा स्कोर करता आपको दिख सकता है आज के मैच में। और श्रीलंका की तरफ से आई थिंक निशान का, मेंडिस और राजापक्षा, इन तीनों में से कोई आई थिंक एक लंबा स्कोर करता आप तो आपको देख सकता है श्रीलंका टीम से। बाकी देखते हैं कौन टॉस जीतेगा, कौन पहले बैटिंग करेगा। आई थिंक
पुणे का ग्राउंड का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर वानखेड़े में ऑब्वियसली वो जो भी टीम चेज कर रहे होते हैं उसको फेवर करते हैं स्टैट्स, वानखेड़े में ऐसा था। यहाँ का मेरे को ज़्यादा इतना वो पता नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। हम जो भी होगा वो हम ही होप ही करेंगे इंडिया जीते। ओके सो ये कुछ बातें डिस्कस करनी थी मुझे इस वीडियो में। आई होप वीडियो को अच्छी लगेगी।